हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में तुमको मैं पहले दिखाता हूँ इसको। तो ये है हमारे सुलमान भाई, जो कि हम लोग जाएंगे, अभी बताएंगे नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? जब जाएंगे तब पता चलेगा। अब इतना बता देता हूँ कि किसी चीज़ की ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, हमारा ही है लेकिन ओपनिंग हो रहा है। तो ये भी है, कुछ रोल बताओ तुम अपना। चल चल चल, तुमको कप लाने बोले, कप ला। तो कब तक ए कप लेगा मेरे रूम में? इसको बोला कि नहीं उज्जीत बड़का कब लेंगे? नहीं तो हम थोड़ी जानबूझ कर रहे हैं, चीटिंग बोल। चल चीटिंग से भी गधा की तरह खेली सिस्टम। अच्छा, दोनों भाई गलत गले। देखो दोस्तों, इतने मेहनत से कबड्डी का मैच खेला हमने, लेकिन इसको देखो शुक्रिया नहीं कर रहा है। आपने तो कुछ किया ना, लेकिन हम लोग का नाम फंसा रहा है कि हम लोग अच्छे से लेके। कोई बात नहीं, आ जाओ 1v1। हां, हर साल के लिए साला इतना मेहनत से कप लाया था। तो आंख पे धूप पड़ा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो हम लोग जाएंगे अभी सीधा। उससे पहले हम अपना कपड़ा सुखा दें, तो चलो फिर। तो यार, अब हम लोग जाने वाले हैं हजरत को लाने के लिए, ताकि दुकान का ओपनिंग है तो नियाज भी दिलवाना होगा। ये रही बाइक, और चलो फिर रास्ते में बताता हूँ मैं। तो हजरत के घर भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन हजरत का फेस नहीं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो चलो फिर। तो यार, अभी मैं रास्ते में हूँ, देखो रास्ते में जा रहा हूँ, चलो मिल के बताता हूँ। तो हम अभी आ चुके हैं हजरत के घर पे, ठीक है? ये हजरत के घर, और वो हजरत के कहाँ गया, वो हजरत के लड़के हैं, मतलब बेटे हैं उनके। तो चलो उनके पास भी। क्या कर रहे हो? अरे बताओ बताओ, कर क्या रहे हो तुम? हम तो व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाएंगे, टेंशन ना लो। यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब वीडियो। तो ये हजरत के घर का सामने कुछ नज़ारा है ना? तो चलो फिर, हजरत को लेने के बाद फिर चलो दुकान में दिखाता हूँ मैं सारा कैसा कैसा सेटअप बनाए हम लोग। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने दुकान पे, और ये डीजे का दुकान है। तो अभी बता रहा हूँ मैं, ये डीजे का दुकान है। तो ये है तो इसने ही वो दुकान खोला है, और फिर बच्चे हमारे साथ यहाँ पे फरहान, ठीक है? तो मैं तुम्हें पूरा अच्छे से दिखाता हूँ इसका ओवरव्यू। ये मेरे पीछे कुछ नज़ारा है, सामने थोड़ा सा देख लो, मतलब पीछे से ये सारा कुछ है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है? तो चलो फिर। तो यार, फातिया हो चुका है ख़त्म, और ये दुकान का ओवरव्यू है, और वहाँ पे मेरे एक दोस्त भी है। तो ये भी है अजहर। अजहर को तो मैं बहुत दिन से देख नहीं रहा था, इसलिए इसके साथ वीडियो नहीं बना पाया। और ये देखो, रिबन लगाया जा रहा है या काटा जा रहा है? तो हजरत हैं, और दुकान के अंदर का देख लो। नहीं, यूट्यूब पे डालेंगे, व्लॉगिंग चल रहा है। ये सबको सिडनी बांटा जा रहा है, ठीक है? तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ तुम्हें पूरा। ये तो दो, तो ये मिला है मुझे नियाज का। मजा आ रहा है? हाँ बोलना है, कोई बोलना पड़ता है। तो यही सरप्राइज था दोस्त कि आज डीजे का दुकान खुला है। बहुत दिन से घर में इसका दुकान था, अभी मार्केट में दुकान ले लिया है इश्तियाक ने। और एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं व्लॉगिंग तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरा सपना है कि मैं एक कॉमेडी चैनल खोलूँ, और उसकी तैयारी में भी लगा हुआ हूँ। दो चार मेंबर को लूँगा, जैसे ये हो गए और हजरत के बेटा हो गए, इन सबको लूँगा मैं कॉमेडी वीडियो के लिए, ठीक है? तो दो मिनट को दिखाता हूँ और सब। तो अभी डीजे बजाया जा रहा है, और चेक किया जा रहा है डीजे का आवाज़, तो हो सकता है मेरी आवाज़ ना आए। ये देखो, सारे मिलके लगे पड़े हैं डीजे बजाने में। अगर आवाज़ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सारा कुछ मशीन है। डीजे हिमराज मिक्सिंग की तरफ से 12 रबीउल अव्वल की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 रबीउल का कौन बजा रहा है? तो वहाँ हमारे छोटका भाई फरहान नाम है इनका, तो इसके साथ भी मिलके हम आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
एक ये हो गए, एक अजहर हो गया, और एक दो दोस्त को और साथ में लेकर के हम लोग कॉमेडी चैनल भी खोलेंगे और बहुत जल्दी। ठीक है यार, कॉमेडी चैनल के लिए सारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बॉस को बोले मना कर दिया, लेकिन हम लोग करना है। ठीक है यार, कहा गया यार, करेगा ना कॉमेडी, हम लोग भी कॉमेडी वीडियो बनाएंगे। लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना और फॉलो भी कर लेना। कॉमेडी को नहीं, पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी तो हम लोग जाने वाले हैं, मैं कोचिंग जाने वाला था। और देखो कौन सी गाड़ी, स्विफ्ट गई है हमारे पीछे, स्विफ्ट गई है, KTM गई है। तो हम कोचिंग जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि आज उद्घाटन था हमारे दुकान का, मेरे प्रिय भाई का उद्घाटन था उसके दुकान का, तो इसीलिए हम नहीं जा पाए। तुमको कैसे पता चला कि आज उद्घाटन था? पता था तुमको? चलो ठीक है फिर। तो फ्रेंड्स, अब हम हजरत को घर छोड़ने आए हैं और हजरत का घर देखो, यहाँ से हजरत अब घर जाएंगे और हम भी अपने घर जाएंगे। तो कैसा लगा हजरत दुकान ओपनिंग करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो हजरत का फाइनली घर छोड़ दिया हम लोग और अब हम जाएंगे घर। तो घर में आराम से बैठ के बताऊंगा कि आज किस वजह से दुकान खुला है, मतलब कब से प्लानिंग हो रहा था दुकान खुलने का। तो ठीक है फिर, चलो मिलते हैं। तो गाइस, अब मैं घर आ चुका हूं और मेरी वीडियो की एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि दुकान खुलने का प्लान कब से था। तो आज से करीब 1 से 2 महीना पहले बात हो रही थी, जब वो बनना शुरू हुआ था, होता ना कि जब नींव रखा गया था उसका, तो सोचा गया था कि वहाँ पे दुकान लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आज के डेट में तो वहाँ पे ज़्यादा दुकान है नहीं, सिर्फ एक छोटा मोटा सा कार का शोरूम खुला है। तो आने वाले समय में वो भी मार्केट बन जाएगा, इसलिए वो देखते हुए हमने वहाँ पे दुकान लिया। तो अब रही बात की दुकान DJ की ही क्यों, क्योंकि देखो यार, एक जगह दुकान में बैठने का मन नहीं करता मुझे और इश्तियाक को भी, इसलिए DJ का किया गया है कि हर जगह घूमेंगे भी और इन्जॉय भी होगा। DJ तो यार गाना वाना सुनने का सबका मन करता है। तो ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल पे अगर नए आए हो तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो कर दो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।